तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान आरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान आरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉड्डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सहलिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्स करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन इडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्स करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर 90 करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर 90 करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉट डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर 90 करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉट डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट संवन से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन इडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉड्डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन इडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर 90 करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान आरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन इडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान आरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉड्डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन इडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉड्डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट समवन से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स दो में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोश मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉड्डी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियट माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडॉडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान ऑरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोस मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल आर एस फोर सिक्सटी करोड़ नब्बे मिलियन तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तानवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नान बन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया तीन इडियट्स एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा संपादित और निर्देशित किया है अभिजात जोशी के साथ सह लिखित और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है चेतन भगत के उपन्यास फाइव पॉइंट सम से ढीले तौर पर अनुकूलित फिल्म में आमिर खान आरियड माधवन और शर्मन जोशी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जो रंग दे बसंती 2006 के तीन साल बाद उनकी पुनर्मिलन की कहानी है जबकि करीना कपूर बोमन ईरानी और ओमी वैद्य ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। यह कहानी दो समानांतर नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है एक वर्तमान में और दूसरा दस साल पहले सेट की गई है जो एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती का अनुसरण करती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत सामाजिक दबावों पर व्यंग्य करती है विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले चोपड़ा द्वारा निर्मित तीन ईडियट्स में रम्या जोश मोहम्मद इदरीस जहांगीर पेंटर और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई वास्तविक भारतीय आविष्कारों को शामिल किया गया था जिनमें से अंतिम ने खान के चरित्र को भी प्रेरित किया था 25 दिसंबर 2009 को रिलीज होने पर तीन आइडियट्स को व्यापक प्रशंसा मिली जिसमें इसके निर्देशन थीम हास्य कहानी पटकथा साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही यह भारत में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय तक किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था और एक हिंदी फिल्म के लिए पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा शुद्ध संग्रह का रिकॉर्ड भी था अंततः यह उस समय के कुछ भारतीय फिल्मों में से एक बन गई जो चीन और जापान जैसे पूर्वी एशियाई बाजारों में सफल रही अंततः इसकी विश्वव्यापी सकल करोड़ नब्बे तक पहुंच गई यह 2013 तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और 2000 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी सत्तान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तीन ईडियट्स ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने वाला मनोरंजन शामिल था इसके अतिरिक्त फिल्म को पचासीवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में ग्यारह नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कपूर और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता माधवन और जोशी शामिल थे और इसने छह प्रमुख पुरस्कार देवडी के साथ टाई जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हिरानी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ईरानी शामिल थे विदेश में इसने जापान के वीडियो यासन पुरस्कारों में ग्रैंड प्राइज जीता जबकि इसे जापान अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विदेशी भाषा फिल्म और चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था तीन आइडियट्स को अब तक बनाई गई महानतम भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है इस फिल्म का भारत में और साथ ही चीन और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य एशियाई देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इसे तमिल में नानबन दो के रूप में पुनः निर्मित किया गया जिसे भी आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुई एक मैक्सिकन रीमेक तीन इडियट्स 2017 में भी रिलीज किया गया